किचन में आपका स्वागत है। मसाला किचन है इसलिए आज हम एक और मसाला बनाने जा रहे हैं जिसका नाम तो है इसका मटन मसाला, मीट मसाला। लेकिन मीट मसाले से लेकर हमें ये जरूरी नहीं है कि हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तभी इस मसाले को यूज करें। हम वेजिटेरियन हैं तभी भी हम इस मसाले को यूज कर सकते हैं। मसाले के बाहर कभी भी रेड मार्क नहीं होता, हमेशा ग्रीन मार्क ही होता है। तो ये सब हमारे किचन के मसाले ही हैं जिन्हें हम थोड़ा स्पाइसी मसाला दे रहे हैं। और जिनके घरों में थोड़ा स्पाइसी सब्जी खाते हैं, वो चाहे आप सोयाबीन की सब्जी या कोई भी सब्जी बनाएं, उसमें भी आप ये डाल सकते हैं, बहुत पसंद आएगी। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून सूखा साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 पीस जावित्री, थोड़े से लौंग, 6 से 8 लौंग है, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा टुकड़ा जायफल का है, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर है, 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ये है गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर जो ऑनलाइन आपको मिल जाता है, मार्केट में कहीं भी मिल जाता है किसी अच्छे स्टोर पर, ये हमने 1 छोटा चम्मच लिया है। ये लिया है हमने सौंठ पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1 चम्मच हमने सेंधा नमक लिया है और थोड़ा सा हमने लिया है हींग, 2 तेज़पात, 20 से 25 दाने काली मिर्च के, 6-7 हमने सूखी साबुत लाल मिर्च ली है। हम एक पैन लेंगे, उसमें करीब 1/2 टीस्पून ऑयल डालेंगे, सिर्फ 1/2 टीस्पून। गैस स्लो रखेंगे, जो खड़े मसाले हैं वो हम सब डालेंगे इसमें, सूखा साबुत धनिया, जावित्री, दालचीनी, राई, जीरा, सौंफ, लौंग है, जायफल है, छोटी इलायचियां हैं, बड़ी इलायची को खोल के डालें। तेज़पात, लाल मिर्च और काली मिर्च, इन्हें थोड़ा 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे रोस्ट करें। ये रोस्ट हो गया है, इसे हम थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम ये सारे मसाले इसमें डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। ये ठंडे हो चुके हैं, इसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। अच्छे से पीस गया है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और ये मसाला आप जैसे मीट मसाला आता है मार्केट में, हम लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमने उससे खोला और उसके बाद क्या होता है, उसमें एयर जाती है और हम लोग उसको फिर जब दोबारा यूज़ करते हैं तो उतनी खुशबू नहीं रहती। इसलिए आप इसको हमेशा एयर टाइट जार में बाहर से लेबल लगा के इसमें लिख दीजिए कि आपने कौन सा मसाला बनाया। अगर आप लोग नॉनवेज का मीट कहना या लिखना भी पसंद नहीं करते तो इस पर स्पाइसी मसाला डाल दीजिए, तंदूरी मसाला लिख दीजिए, तो आपका ये मसाला बहुत बढ़िया यूज़ होगा आपको। इस तरीके से बन गया हमारा है स्पाइसी मसाला कहें या मीट मसाला।